नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट वंडर्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आज हम इस कंपनी का फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के जो है आगे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, और इसके अलावा अगर अभी जो करंट लेवल्स है उसमें हमें जो है क्या करना चाहिए, क्या हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, फिर इनकेस अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आपको क्या होल्ड करना चाहिए नहीं। तो इन सभी फैक्टर्स के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। अब दोस्तों कंपनी की बात करूं तो कंपनी 1954 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन आर्मी। तो आर्मी के अंदर दोस्तों कंपनी जो है थल सेना, वायु सेना और नौसेना, ये तीनों ब्रांचेस जो है इंडियन आर्मी के, उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का जो है वहां पे वो सप्लाई करती है जो वहां पे आर्मी के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है नेविगेशन सिस्टम, इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, लैंड बेस्ड रडार, नेवल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, तो ये सभी सिस्टम्स जो है कंपनी जो है प्रोवाइड करती है इंडियन आर्मी को। और इसके अलावा दोस्तों डिफेंस के अलावा कंपनी जो है नॉन डिफेंस सेक्टर के अंदर भी है, जहाँ पे कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेलवेज को, इसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज को। और दोस्तों कंपनी जो है सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी जो है इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है। तो कंपनी बाहर की जो बाहर के जो देश है उनको भी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इनका जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आज से 10 साल पहले इनका जो सेल्स था वो था 5,740 करोड़, अभी इंक्रीज हो गया मार्च 2022 में 15,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो अराउंड 878 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी ये इंक्रीज होकर अराउंड 2400 करोड़ का हो गया है। और मार्च 2023 तक जो है इनका नेट प्रॉफिट जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो अराउंड 2700 करोड़ के आसपास का इनका अंदाजा आया है। और इनका जो दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनी का मार्जिन काफी अच्छा है, अगर आप देखोगे तो 22-23% के आसपास का जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो काफी बेहतर है। इवन कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है काफी बढ़िया है। तो मार्च 2022 का जो अगर मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करूँ तो 46% का रहा था, तो काफी अच्छा खासा जो है इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो है। इसके अलावा अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखोगे तो यहाँ पे लगातार कंपनी का जो है एक हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो लास्ट सितंबर 2022 के अंदर कंपनी का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हुआ था जो कि अराउंड 624 करोड़ का था। तो लगातार और यहाँ पे जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी की कोई भी बोरिंग्स नहीं है, तो ये एक डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के और लिए। और कंपनी अगर आप शेयर कैपिटल और रिजर्व देखोगे तो वो भी जो है लगातार इंक्रीज हो रहे है। तो काफी इसके फंडामेंटल्स जो है काफी इंप्रेसिव है, काफी स्ट्रांग फंडामेंटल्स है। और दोस्तों अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं यहाँ पे, तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 51% ऑफ तो है होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेकंड जो अगर मैं बात करूं एफआईएस की होल्डिंग की, तो एफआईएस ने भी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में अपनी जो है होल्डिंग इंक्रीज की है, तो ये 16% से इंक्रीज होकर 17.36% हो गई है। वहीं डीआईएस की होल्डिंग में यहाँ पे थोड़ा हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, 27 से ये डिक्रीज होकर 25 के आसपास हो गई। पर डीआईएस की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट जो है 25% के ऊपर ही रही है लास्ट 3-4 क्वार्टर्स के अंदर, और पब्लिक के पास सिर्फ 5.88% ऑफ द शेयर से। तो आप देख रहे हो कि दोस्तों ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है कि एफआईएस के पास और डीएएस के पास भी एक अच्छा सा स्टेक है इस कंपनी के अंदर, और जो सिर्फ पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो सिर्फ 6% के आसपास की है। दोस्तों कुछ रेशियोज देख लेते हैं कि वो कैसे है। जैसे कि अगर मैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करूं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इस कंपनी का निकल कर रहा है वो 25.8 का है और इंडस्ट्री का 34 का है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से जो है ये कम में जो है ट्रेड कर रही है। इसके अलावा अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो 17.7 का है और सामने इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 97 का चल रहा है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू भी सिर्फ जो है 5.46 का है। तो दोस्तों एक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने फेयर वैल्यू पे ही जो है ये ट्रेड कर रहा है, ना ये ओवर वैल्यू तो बिल्कुल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है।
दूसरी चीज, अगर इसका हाई देखोगे तो 115 का हाई था, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 96.6 का है। और अगर लास्ट में 1 ईयर की रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर में जो कंपनी के रिटर्न्स रहे हैं वो अराउंड 42% के रिटर्न्स रहे, तो काफी अच्छे खासे रिटर्न रहे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें चार्ट लगातार जो है ये ग्रो करते जा रहा है। तो लास्ट अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो 70 रुपीज के आसपास जो है इसका शेयर प्राइस चल रहा था, जो कि अभी जो है 96.6 रुपीज के आसपास है। और इसका जो रिटर्न ऑन ROCE है वो है 27% का, काफी शानदार ROCE है। और वहीं ROE भी काफी शानदार है, जो कि 21% का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई भी डेट नहीं है, तो डेट टू इक्विटी भी 0 है, जो कि काफी स्ट्रांग बनाता है इस कंपनी को। वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो AAA की रेटिंग दी हुई है कंपनी को, जो कि काफी ऑन द मेजर साइड होती है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रेटिंग होती है वो AAA ही मानी जाती है, और कंपनी को यही रेटिंग मिली हुई है। तो रेटिंग भी जो है इसकी काफी पॉजिटिव है। और वहीं दोस्तों अगर मैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात करूं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 16 सितंबर को जो है अराउंड कंपनी का जो हाई लगा था वो अराउंड 114 का लगा था, फिर उसके बाद जो है हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। और दोस्तों इसके बाद जो है कंपनी का जो लो बना था वो अराउंड बना था 96 रुपीज के बाद आसपास, फिर इसने जो है अपना 110 रुपए के आसपास जो है हाई बनाया था। लेकिन अगर लास्ट 2-3 दिनों से जैसे हम देख रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट का माहौल लगा हुआ है, तो इस शेयर के अंदर भी उसका इम्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको जो मेजर सपोर्ट मिल सकता है वो है 94.35 लेवल का जो है इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, और रेजिस्टेंस जो है इसको फेस हो सकता है वो 102 का जो लेवल है वहां पे इसको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको शॉर्ट टर्म जो है इसके अंदर एंट्री लेनी है, अगर आपको एक स्विंग का मौका चाहिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा 94 के लेवल का, जहां पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये उस सपोर्ट को सस्टेन करता है तो आप जो है उसके अंदर एंट्री कर सकते हो, और 102 का जो है आप इसमें जो है एक टारगेट लेके चल सकते हो, बिकॉज 102 पे इसको जो है मेजर एक रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर ये 102 के लेवल को पार कर देगा तो फिर जो है इसमें आने वाले दिनों में जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं वो 112 के है, और फिर जो है अपना ये जो इसका हाई है 114 का उसको जो है उसको क्रॉस करने की यहाँ पे जो है कोशिश कर सकता है। तो ये तो हुए दोस्तों शॉर्ट टर्म के टारगेट। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक व्यू रखना है, तो कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो अगर आप चाहे तो करंट लेवल्स पे भी जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, या तो अगर आप चाहो तो इसमें जो है 94 तक के लेवल का जो है आप इसमें आप देख सकते हो कि अगर 94 के आसपास मिल रहा है तो आप जो है उस टाइम भी एंट्री कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिकॉज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मैं इसलिए बोलूँ कि कंपनी का जो है काफी एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ये इसका रिपोर्ट है जहाँ पे हमें ऑर्डर बुक दिख रहा है, तो 1 अक्टूबर 2022 को जो कंपनी के पास ऑर्डर बुक है वो 52,000 करोड़ का दोस्तों इनके पास ऑर्डर बुक है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के जो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो कितने स्ट्रांग है, और कंपनी कितना आगे ग्रो कर सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी जो है काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मेरा जो व्यू पॉइंट है वो काफी पॉजिटिव है। तो दोस्तों आशा कर दूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।